इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम। हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हमारा पता है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश। नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश। आप हैं बरदान एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा युवा मौजूद है जो दिव्यांग है लेकिन क्रिकेट में बड़ी रुचि रखता है। क्रिकेट में भी रुचि ऐसी कि उसने मध्य प्रदेश की टीम से यहां पर कैप्टनी भी की है और यहां जब उसे प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिला तो उसने आखिरकार क्रिकेट से संन्यास दे दिया। इंडिया टीम में अपनी मेहनत और लगन की बदौलत परफॉर्मेंस दिखाकर अच्छा प्रेजेंटेशन किया और अपना एक नाम कमाया, बल्कि बुंदेलखंड के छतरपुर का भी नाम रोशन किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसे घर पर बैठना पड़ रहा है और कंप्यूटर की दुकान पे महज 3,000 रुपये की नौकरी करनी पड़ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको जोड़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके की उनकी समस्या, क्यों क्रिकेट छोड़ रहे हैं आप, क्यों क्रिकेट छोड़ रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई, क्योंकि आपने काम तो बहुत अच्छा किया, अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, फिर आप क्रिकेट छोड़ना चाह रहे हैं। मैं क्रिकेट इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना खेल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। मैंने इंडिया टीम तक से ही खेला और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करा। लेकिन क्रिकेट छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे जो छतरपुर के शासन प्रशासन लोकल सपोर्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से उनसे एक स्पोर्ट व्हील चेयरों की मांग करता आ रहा हूँ जो मेरी अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। तो थका कर मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए आपको हर सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। स्पोर्ट व्हील चेयर हो गई या किट हो गई या जैसे आना जाना ट्रेवलिंग क्या हो गया, ये सब सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास कुछ नहीं है। सिंगल आपको सिर्फ व्हील चेयर आवश्यकता है फिलहाल? नहीं, ये छतरपुर से जो 4 प्लेयर रहेंगे जो छतरपुर से एमपी टीम में खेलना है प्रेजेंट में, तो उन लोगों के पास भी व्हील चेयर नहीं है। हम ये बस शासन प्रशासन यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो व्हील चेयर की कीमत है कम से कम 35 से 40 हज़ार के बीच में आती है। अच्छा जी, तो 35-40 हज़ार रुपये की बदौलत आप क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, ये कोई बात समझ में नहीं आती, क्यों ऐसा हो रहा है? अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है कि मैं उसमें पर्सनल खरीद सकूं क्योंकि मैं खुद 3,000 की या 2,000 की नौकरी करता हूं। तो अब यहां भी खेलने जाता हूं तो भील चेयर के कारण मेरा परफॉर्मेंस गिरता हुआ चला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भील चेयर ही नहीं है तो मैं क्रिकेट खेल के क्या करूँगा, तो मैं इसलिए क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ। किस किस अधिकारियों से आपने अपनी बात रखी है अभी तक? मैंने अभी हाल ही में अपने संदीप रजक जी हैं उनको मैंने आवेदन दिया था, उससे कलेक्टर साहब हैं उनको मैंने आवेदन दिया था, उससे पहले मोहित बंदर जी थे कलेक्टर साहब उनको भी आवेदन दे चुका हूँ, और उससे पहले से रमेश भंडारी थे कलेक्टर साहब थे या सीलन जी थे, मैं सबको आवेदन दे चुका हूँ। लेकिन अभी तक तो मेरी ना तो कोई सुनवाई हुई है ना उसका जन समाधान निकला है। मैंने आप कौन सी टीम से खेला करते थे और कहाँ कहाँ आपने अभी तक खेल खेला है, और आप जो कप्तान बने थे वो कब बने थे, कौन से सन में बने थे, और कितने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं क्रिकेट तो 2017 से खेल रहा हूँ और 2018 में मैं एमपी टीम का कप्तान बना था, और मैं कम से कम दिल्ली, पंजाब, मेरठ, बनारस और मुरैना और इंदौर, मतलब मैं बहुत जगह क्रिकेट खेल के आया हूँ, और मैं अब मुझे अभी क्रिकेट खेलने जाना भी है। लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास व्हील चेयर नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अब क्रिकेट छोड़ दूं, क्योंकि व्हील चेयर के बिना तो जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए उसके पैर ज़रूरी होते हैं, ऐसे ही एक दिव्यांग के लिए उसकी व्हील चेयर समझ लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके वही हाथ पैर होते हैं, अगर वो नहीं होगी तो फिर क्रिकेट कैसे खेलेंगे। अब आप कंप्यूटर की दुकान में क्या करते हैं, कितने पैसे आपको मिल जाते होंगे? मैं यहाँ कंप्यूटर की दुकान पर एक हार्डवेयर का काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर भी हूँ, तो मैं यहाँ पर मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, उसी से मेरा गुजारा हो रहा है। और कभी कभी तो ये होता है कि अगर जैसे काम नहीं आता है तो वो भी नहीं मिलता है। अगर प्रशासन आपका सपोर्ट कर दे, आपको व्हील चेयर दे दे, तो क्या आप वापसी कर लेंगे क्रिकेट में, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था। अगर प्रशासन मेरी सपोर्ट करता है और मेरी जितने भी सुविधा असुविधा है उसको दूर करता है तो मैं क्रिकेट में वापसी कर लूँगा। एक दिव्यांग की पीड़ा है कि उसे संसाधन नहीं है, इसलिए वह अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, यही वजह है कि यह दिव्यांग
खेल तो अच्छा लेता है, पैर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, लेकिन जब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं है कि वो 35,000 रुपए की व्हील चेयर खरीद के अपना क्रिकेट का प्रेजेंटेशन दिखा सके, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को मदद करनी चाहिए और महज 35,000 रुपए की व्हील चेयर उसे भेंट करनी चाहिए, ताकि वह बुंदेलखंड के छतरपुर ज़िले का नाम पूरे इंडिया में रोशन कर सके। वरदान एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया।